Hi everyone, welcome to Wet Today Studio. So my name is Sahil and you are watching CBSE First to 8th Guide. So आज की वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि जो आपको पजल स्क्रीन पर दिख रही है जो कि है 9 = 72, 8 = 56, 7 = 42, 6 = 30, 5 = 20 एंड 3 = ? यानी अननोन। 3 हमें पता नहीं है, सो हमने 3 ही फाइंड करनी है। ये जो पजल है ये कुछ समय पहले इंटरनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल हुई है एंड ये पजल को कुछ ही लोग सॉल्व कर सके हैं। सो आज मैं बताने वाला हूँ कि इसे कैसे सॉल्व करें और इसका सही आंसर क्या आएगा। देखो इसके 3 आउटकम आ सकते हैं, अगर आप इसको कर देखो तो इसके 3 आउटकम आ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। जो हमारा फर्स्ट मेथड है उसका नाम है डिक्रीजिंग मल्टीप्लिकेशन। डिक्रीजिंग मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, सबसे पहले देखो हमें 9 दिया गया है, 9 = 72 दिया गया है एंड अब हमने फाइंड करना है कि 9 को कौन से नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करें ताकि हमारा आंसर 72 आ जाए। सो वो है आंसर हमारा 8। सो 9 × 8 किसके इक्वल हो जाएगा 72 के। अब ये वहाँ पर 8 है, नीचे 8 56 के इक्वल है, सो हमने ऐसा नंबर फाइंड करना है जो कि 56 के साथ डिवाइड होकर हमारा आंसर 8 आ जाए। सो वो है 7। और वैसे ही अब देखो यहाँ पर एक पैटर्न चल रहा है, 8 पहले उसके बाद 7। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 के साथ 6 लग जाएगा 42 आ जाएगा, 6 के साथ 5 लग जाएगा 30 आ जाएगा, 5 के साथ लग जाएगा 4 20 आ जाएगा एंड 3 के साथ लग जाएगा 3 9 आ जाएगा। सो हमारा फर्स्ट आउटकम है 9। सो अब हम चेक करते हैं हमारा सेकेंड आउटकम। सेकेंड आउटकम निकालने के लिए हमारा मेथड है a मल्टीप्लाई a माइनस 1। सो देखो सबसे पहले हम a किसके इक्वल ले लेंगे 9 के एंड हमारा जो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सम प्रोडक्ट आना चाहिए वो हो जाएगा 72 के इक्वल। सो देखो 9 में से अगर हमने 1 माइनस कर दिया 8 आ गया, सो हमने 9 को कर देना 8 के साथ। वैसे ही 8 में से माइनस कर देना है हमने 1 जो क्या देगा 7, 8 × 7 = 56, 7 × 6 = 42, 6 × 5 = 30, 5 × 4 आ जाएगा 20, 3 − 1 हो जाता है 2, सो हमने 3 में से मल्टीप्लाई कर देना है 2 जो कि कितना आ जाएगा 6, सो हमारा सेकेंड आउटकम है 6। सो हमारा थर्ड मेथड है डिक्रीजिंग सब्सट्रैक्शन। डिक्रीजिंग सब्सट्रैक्शन में क्या होता है, सबसे पहले हम 72 एंड 56 में से डिफरेंस फाइंड कर लेंगे क्योंकि एक 9 पर आता है और एक 8 पर आता है। सो हमने 72 और 56 का डिफरेंस क्या है 16, 72 में से 16 माइनस किया 56 आ गया और वैसे ही अगर हमने 56 में से माइनस किया 14, सो हमारा आ जाएगा 42। 42 में से अब हम आगे क्या माइनस करेंगे, 42 में से हम माइनस करेंगे 12। सो अगर हमने 42 में से 12 माइनस किए सो हमारा आ जाएगा 30। 30 में से अब हमने माइनस कर देने हैं 10, कितना आ जाएगा वो आ जाएगा 20। 20 में से अब हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, 20 में से माइनस करना पड़ेगा 8, सो 3 किसके इक्वल आ जाएगा 12 के। सो हमारा थर्ड आउटकम है 12। अब मैं बताता हूँ इन सब में से सही आउटकम कौन सा है। सो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर जो पजल थी वहाँ पर 9 में से शुरू हुआ और वो 3 तक गया बट यहाँ पर 4 मिसिंग है। सो हमें 4 लगाना पड़ेगा जो कि a = a − 1 है, उसमें तो लॉजिक लग गया क्योंकि अगर हम 4 में से 1 माइनस कर देते हैं सो हमारा आंसर आ जाता है 3 एंड 3 में से 1 करते हैं सो 2। बट जो हमारे डिक्रीजिंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिक्रीजिंग सब्सट्रैक्शन है उसमें नहीं लगा। सो अब मैं वो कर दिखाता हूँ। सो सबसे पहले हमने जो 3 × 3 था उसको डिक्रीजिंग मल्टीप्लिकेशन में से इरेज कर हमने क्या किया 4 × 3 किया क्योंकि 4 से कम है 3, 4 × 3 आ जाता है 12 एंड उसके बाद हमने किया 3 × 2 जो कि कितना आ जाता है 6। सो यहाँ पर आंसर आया है 6। और आगे डिक्रीजिंग सब्सट्रैक्शन में, डिक्रीजिंग सब्सट्रैक्शन में क्या हुआ, यहाँ पर 4 नहीं आया सो हम 4 ले लेंगे एंड 4 = 20 − 8 के इक्वल आएगा जो कि कितना देगा 4 आ जाएगा 12 के इक्वल एंड 3 किसके इक्वल आ जाएगा 12 में से अगर हम माइनस कर दें 6 जो कि कितना देगा 6। सो हमारा आंसर 6 है, यानी ये जो a × a − 1 वाला मेथड है वो सही है और हमारा आंसर अननोन की जगह पर आएगा 6। ओके सो फ्रेंड्स आज की वीडियो के इतना ही, मैं आपसे बोलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद एंड इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड उस बेल आइकन को भी दबा देना ऐसे ही मैथ प्रॉब्लम्स एंड अदर मैथ बुक्स
के सॉल्यूशंस को देखने के लिए। और साथ में इस वीडियो को बनाने में मेरी मेहनत लगी है, इसलिए एक लाइक तो जरूर कर देना। थैंक्स।